इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 101 रेडी टू यूज बुक का ऑफ चैप्टर नंबर 1 का रिलेटिव वर्सेस अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। जी हाँ, रिलेटिव वर्सेस अब्सोल्यूट रेफरेंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले रेफरेंस को समझना होगा। सबसे पहले हमें रेफरेंस सिस्टम को समझना होगा। इसके लिए इसमें इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स दे दिया। मुझे मान लीजिए इस नंबर के हर नंबर पे 20 को ऐड करना है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, प्लस 20 कर दिया, और मैं इसको इजीली नीचे ड्रैग कर सकता हूँ। मैं इसको इजीली नीचे ड्रैग कर सकता हूँ। तो हमने सिर्फ फॉर्मूला एक सेल पे लगाया, बाकी सेल पे फॉर्मूला अपने आप कॉपी पेस्ट हो गया और रेफरेंस चेंज हो गया। क्योंकि जब भी आप किसी फॉर्मूले को ऊपर नीचे आगे पीछे आप ड्रैग करते हो, तो उसके हिसाब से रेफरेंस चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे 200 लिखा है और हमने यहाँ पे करता हूँ, हाँ यहाँ पे इसको प्लस 20 कर दिया। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो G7 जो है G8 हो जाएगा, क्योंकि तो इंक्रीज हुआ। लेकिन मैं अगर पीछे आगे के ड्रैग करूंगा तो इसमें हमारा G के जगह पे H आ जाएगा और H को इंक्रीज होगा। उसी तरह से मैं पीछे करूंगा तो G के जगह पे F हो जाएगा, जो कि कॉलम हमारा डिक्रीज हुआ। और ऐसे हम ऊपर करेंगे तो क्या होगा, G7 के जगह पे G6 हो जाएगा, रो की डिक्रीज हुआ। अब जरूरी नहीं है कि हमें कंटिन्यूअस ही करना है, ये जरूरी नहीं है कि हमें कंटिन्यूअस ही करना है। अगर मैंने इसको कॉपी करके यहां पे ले लिया, तो आप देखिए कि हमने कितना कॉलम, दो कॉलम इंक्रीज किया, और रो कितना, 1 2 3 4 रो को इंक्रीज किया हमने। तो आप देखेंगे कि उसी के हिसाब से आपका रेफरेंस भी इंक्रीज हो जाता है। तो रेफरेंस सिस्टम में रेफरेंस जैसे जैसे कॉपी पेस्ट करते हो और सेम सीट अनदर सीट पे होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने G7 यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको कॉपी करके अगर सीट इस पे जाता हूं तो यहां मैं कॉपी पेस्ट किया, तो ये देखिए इसी हिसाब से यहां भी हुआ कि रिजल्ट, जो रिजल्ट E7 ही रहा, उसी हिसाब से इसने अपने आप को इंक्रीज कर लिया। तो इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि आप एक बार फॉर्मूला लगाइए और नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, हर सेल में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और बहुत अच्छी चीज ये है। लेकिन कभी कभी हमें प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। प्रॉब्लम क्रिएट करती है मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे D1 में हमने यहाँ पे 20 दिया हुआ है, D1 में हमने 20 दिया हुआ है। अगर मैं इसमें प्लस D1 की वैल्यू करता हूँ, इसमें मैंने प्लस D1 की वैल्यू करता हूँ और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो क्या होगा कि यहाँ पे तो हमारा D1 था बट यहाँ पे D2 हो गया, जैसे इसकी प्रॉपर्टी है। सो आई वॉन्ट टू फिक्स, मैं चाहता हूँ कि फिक्स हो जाए, ये चेंज ना हो। तो इसमें क्या है कि हर एक नंबर के नंबर कैरेक्टर होता है, जो एड्रेस में कैरेक्टर होता है उसको कॉलम नंबर बोला जाता है, और जो नंबर्स होते हैं उसको रो। तो मुझे टॉप टू बॉटम ड्रैग करना है, हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम में सिर्फ नंबर इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो मैं रो के आगे के जो है उस पर हमने डॉलर साइन लगा दिया। अब मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारा D1 फिक्स हो गया, और मैं आगे ड्रैग करूंगा तो DE बन जाएगा, क्योंकि हमने D के आगे डॉलर साइन नहीं लगाया है। तो आपको अगर दोनों को फ्रीज करना है तो आप इसको दोनों के आगे लगाइए, एक को फ्रीज करना है तो एक के आगे लगाइए। अब कैसे पता चलेगा कहां पे क्या करना है, क्या सर पता कैसे चलेगा? तो चलिए इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको देते हैं। अच्छा, आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? हाँ जी सर, आ रही है। ओके, तो जी हाँ जी सर, आ रही है। मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं है कि कोई मुझे मैच चैट किया है, तो आपकी हो सकता है वीक हो इसलिए भी नहीं आ रहा है, नेटवर्क वीक हो इस कारण से ना आ रहा होगा।
क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं कि कैसे पता चलेगा, तो देखिए उसके लिए सिंपल तरीका हम लोग अपनाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे प्लस कर दिया G20, अब मुझे पता है कि 20 फिक्स करना है। जब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो हमने देखा कि यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे A3 हो गया, तो A3 को A3 रहना था, बट D1 D2 क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था ना सर। तो उस केस में यहाँ हम D1 को फिक्स कर देंगे। बस आप एक को ड्रैग कीजिए और पता कर लीजिए कि आपकी वैल्यू कहाँ इंक्रीज हुई है, मतलब कहाँ पे नहीं होना चाहिए था इंक्रीज। सिंपल सिंपल तरीके से इसको हम पता कर लेते हैं। तो रेफरेंस सिस्टम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें एक चीज और आती है कि आप हम रेफरेंस को समझिए क्या होता है। अब यहां पे जैसे कि हमने A1 को लिया है, तो ये देखिए B1 सेम सीट का B1, अगर हमने किसी और सीट पे लिया तो ये आप इसको देख लीजिए, ये जो आपका अब यहां पे ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए कि सिंगल कोड लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं सीट का नाम आपका सीट 2 का नाम अगर हम S2 कर देता हूं, तो आप यहां देखेंगे सिंगल कोड फिर भी लगा है S2। अब यहां पे आप देखेंगे कि इसमें जो है हमारा सिंगल कोड नहीं लगा है, बट इसमें सिंगल कोड लगा हुआ है। तो जो सीट का नाम देखिए किसमें लगता है, जैसे मान लीजिए कि डेटा समरी, हमने स्पेस अब जैसे डेटा अब हमने सीट का नेम डेटा कर दिया, तो आई थिंक अब सीट का नेम में डेटा में देखिए सिंगल कोड नहीं लगा हुआ। ओके, अब डेटा 1 कर दें हम, तो आई थिंक डेटा 1 में भी आप देखेंगे सिंगल कोड नहीं लगेगा, लेकिन इसी में अगर हम D1 कर दें तो आप देखेंगे रेफरेंस में कि D1 के आगे लगा हुआ है। मैं अगर यहाँ पे DD1 कर देता हूँ तो आप देखेंगे DD1 के आगे लगा हुआ। अगर मैं यहाँ पे DDDD कर देता हूँ तो तीन डिजिट तक लगता है, अगर यहाँ पे 4D डालते हैं तो मतलब कि समझ जाएगी कि 3 डिजिट तक का अल्फा न्यूमेरिक अगर है, 3 डिजिट तक, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो रेफरेंस सिस्टम है ना सर, ये 3 डिजिट के अल्फा न्यूमेरिक में। जैसे अगर मैंने अपना सीट का नाम राज 1 कर दिया, तो आप यहां पे देखेंगे कि रेफरेंस में राज के आगे पीछे यहां पे आपको दिखेगा कि सिंगल कोड लगा हुआ है, राज के आगे पीछे सिंगल कोड लगा हुआ है ना सर। तो आप ध्यान रखिएगा कि 3 डिजिट का कोई भी अल्फा न्यूमेरिक होगा तो उसमें आपको लगा रहेगा, 3 डिजिट में का जो अल्फा न्यूमेरिक होगा उसमें सिंगल कोड लग जाएगा, 3 से ज्यादा होगा तो सिंगल कोड नहीं लगेगा, इस चीज का ध्यान आप रखेंगे सीट के बीच में। अगर हम बात करें कोई नई फाइल और कोई नई सेव्ड फाइल की हम ओपन करते हैं, जैसे मैंने VLOOKUP को ओपन कर लिया, मैं इस फाइल से लिंक करता हूं, तो इस फाइल को हमने लिंक इक्वल प्रेस किया और इसको हमने सेलेक्ट करके एंटर मारा, तो यहां समझिए क्या होता है, ए आपका फाइल के नेम है, ए आपका सीट का नेम है और ये आपका कॉलम, ए आपका रो नंबर है। अभी आपका सीट का जो फाइल का जो नाम दिख रहा है वो भी बड़ी ब्रैकेट में, और हमेशा फाइल का नाम बड़ी ब्रैकेट में ही दिखता है और फाइल सीट के बीच में कोई सेपरेटर नहीं होता है, बट सीट और रेंज के बीच में सेल के बीच में सेपरेटर होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही आप फाइल को क्लोज करोगे, जैसे मैंने फाइल को क्लोज किया, यहां पे पूरी की पूरी पाथ आ जाएगी और पाथ को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बीच में होता है, पाथ से लेके सीट नेम तक आपका
सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में होता है। अब बोलेंगे सर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बारे में क्यों बता रहे हैं, वो इसको ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम कभी कभी क्या होता है कॉनकेटेनेट से इसका यूज करते हैं तो दिक्कत होती है, इसलिए बता रहा हूं। ओके चलिए।